हेलो एवरीवन, आज मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक बैसला से। डॉक्टर अभिषेक बैसला ने एफएमजी एग्ज़ाम जून 2022 पास किया है और फ्लाइंग कलर से पास किया है। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 156 मार्क्स हैं और रिजल्ट केवल 10% रहा, 10% लोग ही पास हुए। उनमें एक फॉर्चुनेट हैं डॉक्टर अभिषेक बैसला। डॉक्टर अभिषेक बैसला, यू आर फ्रॉम जियांगसी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोड 156। कैसा लग रहा है? सर, आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड फाइनली सर, रिलीफ ऑफ ऑल द स्ट्रेस एंड द बर्डन ऑफ लाइक अनसेफनेस, कुछ ऐसा हल्का हो गया अब। जी सर, जी सर, तुमसे बधाई दोबारा से। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। कन्वे आवर कांग्रेचुलेशंस एंड रिगार्ड्स टू योर फैमिली फ्रॉम एंटायर मिस्टे। थैंक यू सो मच सर। हाउ वुड यू लाइक टू शेयर योर जर्नी ऑफ मिस्ड क्लासेस? हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ मिस? यू वर इन ऑनलाइन बैच। यस सर। हाउ डू यू थिंक, हाउ वर योर क्लासेस जब अटेंड कर रहे थे तो कैसे करते थे, फैकल्टी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे? यू शेयर इट विद। जी सर। सर, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशंस बाय मिस्ट बाय फर्स्ट आई लाइक लाइक विनीत सर फर्स्ट लाइक बिकॉज या फर्स्ट दे मेक सब्जेक्ट वेरी कंसाइज एंड दैट दे आर ऑलवेज दे आर रेडी टू हेल्प एंड सर एंड द Team Mist is so sir cooperative with the student and so they can solve any problem like or not only just studies, also they support you emotionally also. So this is were you attending classes properly or yes sir, I attended classes sir properly. Full time. Didn't miss any. Yes sir. Didn't miss live classes. Yeah. Yes sir. And anything you want to share from your side, that this particular subject was tough or this particular subject was very easy for you? What is your personal? Sir, जब मैंने पढ़ा नहीं था वो subject, तो मैंने सुना था कि हाँ ये बहुत tough है. ऑप्स गायनी बहुत वैसे कॉम्प्लिकेटेड आती है, ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट जब मैंने पढ़ा आपसे तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए सर, मैंने रट्टा नहीं लगाया, तो वो चीज़ क्वेश्चन कैसा भी आया मैंने उन कॉन्सेप्ट को सोच के उस क्वेश्चन सॉल्व किया सर. तो और ऐसे ही सर्जरी में सर, विनीत सर ने सर्जरी बहुत ईजी की मेरे लिए और वो क्लिनिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए. जी सर, को जब कॉन्सेप्ट होते हैं सर, तो मेरे को लगता है कि आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज़ कॉन्सेप्ट इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड इंटीग्रेटिंग द थिंग्स. जी सर, पढ़ा है उसको, एक ही धागे में पिरोने का नाम ही एक कॉन्सेप्चुअल और इंटीग्रेटेड स्टडी है, एंड दैट इज द की टू सक्सेस. बेटा एक चीज है, मैंने बधाई भी दे दी, मैं पूछ भी रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस क्या थे, एंड यू आर सेइंग यू आर अटेंडिंग क्लासेस ऑन टाइम. गोल्डन फैक्ट सेशंस से कितना फायदा हुआ? रिविजन सेशंस से कितना फायदा हुआ? यस सर, आई हैव वॉच्ड ऑल द रिकॉल वीडियोस एंड स्पेशली दोज 25 क्वेश्चंस यू गाइस मेड फॉर अस, दोज वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन मस्ट गो एंड वॉच देम बिफोर गोइंग टू राइट एग्जाम, बिकॉज़ you guys all every teacher every faculty of MIST taught us how to solve the question and don't waste the time. अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, 90% लोग इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, 90% लोग, 90% स्टूडेंट्स जो पास नहीं हुए, उनके दिल पर क्या बीत रही है? व्हाट दे आर पासिंग थ्रू, दोज हु कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम. और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा 140 और 150 के बीच में हैं, बहुत सारे 149 पे हैं, जिनसे पर्सनली जिन्होंने मुझसे बात की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 149 पे हैं, 148, 147, 140, 150 के बीच में तो बहुत सारे, उनके लिए क्या बोलना चाहो? सर, आई जस्ट वांट टू से सर के ये थोड़ा लक का भी होता है इसमें, तो ऐसा नहीं है, और सिली मिस्टेक सर सबसे होती है, मेरे से भी काफी सिली मिस्टेक हुई, नहीं तो मेरा स्कोर और बेटर रहता. बाकी ये है कि थोड़े दिन डिसमोटिवेट ना हो,
आप ऑलरेडी सब चीज जानते हो, बस ये है कि आपको अच्छे से चीजें शार्प करनी है, आपका माइंड ओरिएंटेड रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, तो मैं ये सोचता हूँ। शार्प करनी है मतलब रिवीजन कई बार करना है, रिवीजन कई बार करना है चीजों को, वो चीजें उसको क्लियर पढ़ना होनी एक अलग चाहिए। चाहे चीज है और उसको रिवाइज करना दूसरी बात है। जी सर, जी सर। तो और सर दूसरी चीज जो शायद मैं मेरे को लगता है कि जब हम पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो शायद जितना अच्छा होगा उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, उतना जल्दी हम चीजों को ग्रेस्प कर लेंगे और शायद वो रिटेन भी ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। जी सर, ऐसा बिल्कुल। महसूस किया क्या? क्या ऐसा ये होता तो एक्चुअली होता ही है सर। आप है? वो तो अब जो रिपीटर्स हैं उनको तो सब कुछ पता है सर, ये सारी चीज रिवाइज वाइज, तो वो है कि बस अपने, लेकिन एक सर एक बहुत बात होती है, कई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, अब वो फिर टीचर्स को फॉलो करना भूल जाते हैं, तो फिर थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिल पाती उनको। जैसे मेरे दोस्त भी हैं, वो नहीं हो पाए जो रिपीटर्स हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, एक अच्छी सी मतलब कोचिंग लेके, टीचर्स का गाइडेंस बहुत रोल होता है सर। अभिषेक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इस बार 149 आया जी सर, और दिसंबर एग्जाम में भी 149 आया, दे स्कोर्ड 149 इन दिसंबर एज वेल एज जून। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पापा ये बोल रहे हैं, मम्मी ये बोल रही हैं कि तुम पढ़े ही नहीं, यू डिड नहीं नॉट सर, स्टडी। ऐसा और नहीं मैं होता सर। जानता हूं कि वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स। उनके मम्मी पापा को क्या बोलना चाहिए? वो बड़े हैं मम्मी जी पापा उनके आपसे, लेकिन फिर भी इस टाइम शायद आपने जो बात बोली उनके मम्मी पापा के लिए एक बहुत समझने वाली बात हो सकती है। सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब सभी पेरेंट्स से, आप बिलीव करें उन सब पढ़ते समय सर, पर ट्रस्ट हो जाते हैं सिली मिस्टेक एग्जाम में, वो टाइम ही ऐसा होता है। और बाकी प्रेशर ना दें, प्रेशर में पहले ही बहुत पेपर से पहले एंजाइटी होती है, तो फिर और अगर आप प्रेशर दोगे या फिर डांटोगे ज्यादा, वो कर सीरियसनेस दिखाओगे, नाराजगी दिखाओगे, तो और बेकार होगा स्कोर बेटर होने के बजाय। आप सपोर्ट करें उनको, वो क्योंकि सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है पेरेंट्स की, फैमिली की। पेरेंट्स के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से हौसला बहुत मिलता जी सर, है। अगर पेरेंट्स का ही सपोर्ट ना मिले, फैमिली का ही सपोर्ट ना मिले, तो पैर लड़खड़ाने लगता बिल्कुल सर, है। ठीक है बिल्कुल ना, सर, बाहर की दुनिया की बात नहीं, घर वाले सपोर्ट नहीं करें तो पैर लड़खड़ाएंगे। जी और सर, अगर उनका सपोर्ट मिल जाए और मम्मी पापा अगर हौसला दे दें तो जी सर, बात कुछ और ही बन जाती है। तो बिल्कुल सर, मेरी भी ये गुजारिश है, जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो भी पेरेंट्स देखेंगे, कि बच्चों को हौसला दें, बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये एग्जाम अपने आप में एक डिफरेंट एग्जाम है जिसमें उन बच्चों ने 4 महीने में 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जी रात सर, को 2-2 बजे तक पढ़े हैं, 3-3 बजे तक पढ़े हैं। 4 महीने में पूरे 19 सब्जेक्ट को तैयार कर पाना कोई सिंपल बिल्कुल बात नहीं, उन्होंने किया है। लेकिन ठीक है, एक डेस्टिनी भी कोई वर्ड है, बाई चांस बिल्कुल अगर वो नहीं कर पाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 140 और 150 के बीच में इस बार अटके और अगली बार वो पास हो, 200 के ऊपर नंबर भी आ गए उनके। तो हिम्मत और हौसला इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे ये एग्जाम नहीं हुआ। और कुछ बोलना चाहोगे कि आप कैसे पास हो गए और उनको क्या करना चाहिए या वो क्यों पास नहीं हो पाए होंगे? चलो सर, एक दो चीजें मैं बताता हूँ, बिल्कुल, मतलब बहुत फायदा होगा सबको। जी सर। सर पहली चीज, मैं थैंक्स करता हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को, हो सकता था मैं भी पास नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, जब मैं लो फील करता था तो उन्होंने मेरे को हमेशा साथ दिया। और एक कंपनी होती है जो, अगर आप उस अच्छी कंपनी होगी तो आपको, आप आगे तरक्की करोगे, तो वो चीज हमेशा दोस्त चुन के बनाओ, ये चीज बहुत मैटर करती है। बाकी ये दोस्त है चुन जी चुन कर बना, खाना सर, चुन चुन कर खा लेते हैं हम, जी लेकिन सर, दोस्त चुन चुन कर नहीं बनाते। कितनी इंपॉर्टेंट है। जी सर। और दूसरी बात ये है सर कि मतलब ऐसा नहीं है 19 सब्जेक्ट पीछे के पीछे पड़ जाओ आपके, नहीं मेरे को करनी है। एग्जाम से एक मंथ पहले वाइसली सोचो कि जो 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 भी सब्जेक्ट आपकी मेजर सब्जेक्ट वीक हैं वो सब्जेक्ट पहले तैयार कर लो अच्छे से, बाकी स्मॉल सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होके आपकी नॉलेज में आ जाती है वो धीरे धीरे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेजर तैयार हुए तो माइनर बहुत सारे तैयार होने लगते हैं, जी सर, जी वो सर, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए होते हैं, देर जी सर, एसोसिएटेड विद दैट। कितनी अच्छी बात है, देर इज अ सेइंग, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप।
तो आप उन्हीं से जाने जाते हो जिन दोस्तों के साथ आप रहते हो, क्योंकि अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपको मोटिवेट करने वाली दो बात करेंगे। बिल्कुल, अगर दोस्त के रूप में कोई दुश्मन पल्ले पड़ गया तो फिर वो लैग पुलिंग करेगा, वो बोलेगा तुझसे नहीं होगा यार, ये एग्जाम में तो बहुत कम लोग पास होते हैं। इसीलिए कितनी अच्छी बात बोली डॉक्टर अभिषेक ने कि दोस्त बहुत चुन चुन कर बनाओ, क्या बात कही है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल द फ्यूचर एफएमजी एग्जाम एस्पायर। और कुछ बोलना चाहो? बस सर, मैं सारी टीम निस्ट को थैंक यू करता हूँ, स्पेशली आपको, विनीत सर को, धवन सर को, कनाल सर को, दीपा मैम को, आपने ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से जो भी मिस्ट का में है, पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना, हमारी तरफ से रिगार्ड्स कन्वे करना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, थैंक यू सो मच।